नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध स्मारक पर जांबाज सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। कहा, लद्दाख हो या जम्मू कश्मीर, विकास के रास्ते आने वाली हर चुनौती का भारत देगा मुंहतोड़ जवाब। अग्निपथ योजना जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति को लेकर पीएम मोदी की विपक्ष को खरी खरी। लद्दाख में 15,800 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया शिलान्यास। कहा, शिनखुनला सुरंग के बनने से लद्दाख की आर्थिक और सामाजिक ताकत में होगा इजाफा। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार का संसद के भीतर और बाहर हुआ भारी विरोध। भाजपा सांसदों ने मुद्दा और वाल्मीकि नगर घोटाला मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से इस्तीफे की मांग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी ने सुल्तानपुर की एमपी एमएलए अदालत में लगाई हाजिरी। दर्ज कराया अपना बयान। 12 अगस्त को मुकदमे की अगली तारीख तय। दिल्ली आबकारी मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता को नहीं मिली राहत। राउस एवेन्यू अदालत ने न्यायिक हिरासत को 31 जुलाई तक बढ़ाया। और पेरिस में सीन नदी के किनारे ओलंपिक 2024 की औपचारिक शुरुआत आज। 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी प्रतियोगिता में होंगे शामिल। 117 भारतीय खिलाड़ी भी 16 खेलों में पेश करेंगे चुनौती। और अब लेंगे समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात कारगिल विजय दिवस की। कारगिल विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। द्रास में बने कारगिल युद्ध स्मारक स्थल पर उन्होंने पुष्प चक्र अर्पित किए। घुसपैठियों के भेष में द्रास और बटालिक कारगिल तुर्तुक की पहाड़ियों पर कब्जा जमाए पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पड़े थे। साल 1999 में भारत के वीर जवानों ने अपने रणकौशल, अदम्य साहस और पराक्रम से पराजित किया था बर्फीली चोटियों में घुसकर बैठे कायर पाकिस्तानी घुसपैठियों को। भारतीय सेना ने चुन चुनकर खदेड़ दिया। पूरे 84 दिन बाद 26 जुलाई 1999 को भारत ने घोषणा की थी कि पूरे क्षेत्र को दुश्मनों से मुक्त करा लिया गया है। उस वक्त एक बार फिर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की नीति को एक बार फिर चेताया और स्पष्ट किया कि भारत सक्षमता से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। मैं इन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने कारगिल में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। ये देश हमारी सेना के पराक्रमी महानायकों का सदा सर्वदा रणी है। कारगिल की विजय ये किसी सरकार की विजय नहीं थी। कारगिल की विजय ये किसी दल का विजय नहीं था। ये विजय देश की थी। मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए काम करते। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने पर देश के महान सपूतों, वीर जवानों को प्रधानमंत्री ने कृतज्ञ 140 करोड़ भारतीयों की ओर से नमन किया। द्रास में बने कारगिल युद्ध स्मारक पर तीनों सेना के अध्यक्ष
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सहित पूर्व सेनाध्यक्ष ने भी अमर बलिदानियों के शौर्य को याद किया। साल 1999 में पाकिस्तानी सेना घुसपैठियों के वेश में भारतीय सीमा में दबे पांव द्रास, बटालिक, कारगिल, तुर्तुक की पहाड़ियों में जा छिप बैठी थी। मई में जब पता चला तो भारतीय सेना ने शुरू किया ऑपरेशन विजय और 26 जुलाई को पूरे क्षेत्र से दुश्मनों को पराक्रमी जवानों ने खदेड़ बाहर किया। विजय के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से आतंकी गतिविधियों से दूर रहने की हिदायत दी। पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों को भी आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना 140 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए है। वैश्विक परिस्थितियों के मुताबिक सुधार जरूरी है। अग्निपथ जैसी योजना लागू करने के पीछे असली मकसद राष्ट्र की सुरक्षा है, लेकिन दुर्भाग्य कि विपक्षी दल देश को गुमराह कर रहा है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्माती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा उसके लिए मोदी ऐसा राजनीति है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं देश सर्वोपरि है। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास और इंफ्रा को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री ने निम्बू पद्म दारचा रोड पर बनने वाली 4.1 किलोमीटर लंबी शिनखुन ला सुरंग के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग में से एक होगी, साथ ही मनाली और लेह के बीच आवाजाही को सुगम बनाएगी। द्रास से विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने आज कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास में लद्दाख को एक नायाब तोहफा दिया। पीएम मोदी ने बटन दबाकर शिनखुन ला सुरंग का पहला विस्फोट किया। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन कर रहा है। इस ऑल वेदर टनल के बनने से हिमाचल और लद्दाख और करीब आ जाएंगे, साथ ही इस सुरंग का सामरिक महत्व भी है। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले यहां से वर्चुअल फर्स्ट ब्लास्ट किया है शिनखुला टनल का, और मेरे साथ हैं डीजी बीआरओ। आइए मुझसे बात करते हैं जनरल रघु। प्रधानमंत्री ने बीआरओ की बहुत तारीफ की है, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं ये टनल कब तक कंप्लीट हो जाएगी और कितनी लंबी है ये? जैसे कि आपने बताया विशाल, ये बीआरओ के लिए एक अद्वितीय सम्मान है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, जिनके गतिशील और दूरदर्शी जो इनका हर एक जो डिसीजन है इसमें, जो इन्होंने
जो बहुत ही लंबित आवश्यकता थी, लद्दाख क्षेत्र को जो सामरिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से जो कनेक्टिविटी बहाल करने की जो आवश्यकता थी, इसको अभी एक बढ़ावा दिया गया है। और कब तक ये पूरा हो जाएगा? ये टनल जो है इसकी पीडीसी 4 साल की है और ये 4 साल में हम कंप्लीट कर देंगे। ये कितनी लंबी है? ये टनल 4.1 किलोमीटर है और ये हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति का जो वैली है उसको लद्दाख में जो जंस्कर वैली है उसको कनेक्ट करती है। ये 4.1 किलोमीटर जैसे कि मैंने आपको बताया ट्विन ट्यूब है, यानी इसका मतलब एक ट्यूब से आना और दूसरे ट्यूब से जाना, और दोनों ट्यूब्स के बीच में हर 500 मीटर में एस्केप पैसेजेस हैं, और ये हाईएस्ट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ये टनल बनाया जा रहा है, और इसमें लेटेस्ट सिक्योरिटी स्कीम्स यानी जो वेंटिलेशन सिस्टम है, जो फायर फाइटिंग की सिस्टम है, जो कैजुअल्टी इवैक्यूएशन की सिस्टम है, मॉनिटरिंग की सिस्टम है, कम्युनिकेशन का सिस्टम है, ये सभी इसमें रहेगा। तो जैसे कि आपने सुना सेला टनल के बाद एक और फेदर बीआरओ के कैप में, और ये जो टनल है वो हिमाचल को लद्दाख के और करीब ले आएगा, और वो भी ऑल वेदर। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं विशाल बरिस्टो, टीडी न्यूज कारगिल। 25वें कारगिल दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर कारगिल युद्ध के नायकों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री ने दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर कारगिल के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह ने कारगिल के वीर जवानों को नमन किया। उन्होंने एक्स पर अपने संदेश में कहा, कारगिल विजय दिवस सेना के वीर जवानों की शौर्य के अटूट संकल्प का प्रतीक है। कारगिल के युद्ध में वीर जवानों ने हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में पराक्रम की पराकाष्ठा का परिचय देते हुए दुश्मन की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर किया और कारगिल में पुनः तिरंगा लहराकर देश को गौरवान्वित किया। आज कारगिल विजय दिवस पर इस युद्ध में अपने साहस से मातृभूमि की रक्षा करने वाले वीर जवानों को नमन करता हूं। आपके त्याग, समर्पण और बलिदान को कृतज्ञ राष्ट्र कभी भुला नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारगिल दिवस पर लखनऊ के कारगिल स्मृति वाटिका में शहीदों की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों के बलिदान को उन्होंने याद किया। उन्होंने कहा कि कारगिल पर पाकिस्तान ने कब्जा किया था और भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब देकर पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया, साथ ही पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब भी किया। कारगिल की पहाड़ियों की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा करके पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ जो साजिश की गई थी, उस साजिश का मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना ने देकर के पाकिस्तान को चारों खाने चित करके दुनिया के सामने न केवल बेनकाब किया, बल्कि आज ही के दिन 1999 में कारगिल विजय की घोषणा करके भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का लोहा पूरी दुनिया के अंदर एक बार फिर से मनवाया। योगी आदित्यनाथ ने कारगिल युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कारगिल विजय की घोषणा के बारे में बताया और साथ ही दुनिया भर में भारत के वीर सैनिकों के पराक्रम और शौर्य का लोहा मनवाने की बात कही। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कारगिल विजय की घोषणा करके दुनिया के सामने भारत के उस जवानों के शौर्य पराक्रम का लोहा भी मनवाया था। बहनों भाइयों, हर भारतवासी अपने महापुरुष जवानों के शौर्य गाथा पर गौरव की अनुभूति करता है।
कारगिल के शहीदों की याद में देश के कई शहरों में स्मारक बने हुए हैं। ये स्मारक युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। कारगिल की लड़ाई में देश के जांबाज सपूतों ने देश के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। कारगिल की जंग जीतने में देश के इन वीर सपूतों का बड़ा योगदान रहा है। माँ भारती की आन बान और शान के लिए जान न्योछावर करने वाले इन शहीदों की वीरता की कहानी सुनकर आज भी देशवासियों को गर्व होता है। कारगिल में जान गंवाने वाले ऐसे ही तमाम शहीदों के स्मारक देश के अलग अलग हिस्सों में बने हुए हैं। राजस्थान के झुंझुनू में कारगिल वॉर हीरो स्मारक में शहीदों की प्रतिमा लगी हुई है। वहीं सीकर के पलसाना में शहीद सीताराम कुमावत की प्रतिमा लगी हुई है, जहां लोग आकर उनकी वीरता के किस्से याद करते हैं। राजस्थान के तमाम युवा इन्हीं से प्रेरणा लेकर हजारों की संख्या में सेना में ही अपना करियर चुनते हैं। जिस तरीके से कारगिल में हमारे देश के जवान शहीद हुए, आप विजय बत्रा और पांडे जी की जिस तरीके की उनके जो बातें हम सुनते हैं, तो ऐसे लगता है कि देश के लिए उन्होंने अपने लिए जान नहीं दी है, वह देश के लिए जान दी है। उनके परिवार के लोग बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, देश गौरवान्वित महसूस करता है उनके इस शहादत पर। देश के प्रति समर्पण के साथ देश के विकास व समृद्धि में अपना योगदान, वो हमारे लिए इसलिए प्रेरणादायक है कि उनको सबसे पहले जो ऑपरेशन विजय चलाया गया था, तो उसमें उनको दो पॉइंट दिए गए थे, एक पॉइंट 48-75 और 51-70, ये दो पॉइंट थे। उनका कब्जा जो पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर रखा था, उन्होंने उनको छुड़ाने की कोशिश करी। और उनका एक प्रसिद्ध वाक्यांश है, ये दिल मांगे मोर, जैसे ये वाक्यांश दिमाग में आता है, सबसे पहले बलिदान की भावना मन में आती है। आर्मी के जवान ये कैसे होते हैं जो मतलब सोचते नहीं है, मेरे पीछे माता पिता सबको छोड़ के वो देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, अपने पद पर रह के, चाहे आप डॉक्टर हो चाहे आप कोई सी पोस्ट हो, देश के प्रति अपने समर्पण भाव के हिसाब से आप कार्य करें, ईमानदारी से कार्य करें, जिससे अपना देश आगे बढ़े। कारगिल विजय दिवस प्रतीक है भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य का। कारगिल विजय दिवस पर देश को सेना के जवानों पर गर्व है। भोपाल के युवा भी इनसे प्रेरणा लेते हैं। 26 जुलाई का दिवस भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, और मैं समझता हूँ कि आज हम लोग सुख चैन से अगर जी पा रहे हैं, अपना दिनचर्या यापन कर रहे हैं, तो वो सैनिकों की बदौलत ही कर पा रहे हैं। हम लोग कोई भी त्यौहार मनाते हैं, हम यहाँ सुख चैन से रह पा रहे हैं, तो डेफिनेटली इसके पीछे हमारी सेना का बहुत बड़ा योगदान है। वही हमें सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम यहाँ सुख चैन से अपना हर दिन सुबह से शाम तक दिन रात हम अपने चैन से जी पाते हैं, बिल्कुल सेना की वजह से। हमारे सैनिकों ने कारगिल में तिरंगा लहराया था, उनके बलिदानों के कारण ही आज हम चैन सुख से रह पा रहे हैं। इनको हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हमें पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को बताना चाहिए, भाइयों को बताना चाहिए, और इंडियन आर्मी के प्रति हम लोग हमेशा सजग हैं, सजग रहेंगे। हम लोग उनका दिल से अभिनंदन करते हैं। 26 जुलाई को जो युद्ध हुआ, उसमें न जाने कितने अनगिनत सैनिकों ने अपनी जान दांव पर लगाई है। इस बलिदान के लिए सैनिकों को हमें नमन करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम इस भारतवर्ष के नागरिक हैं। आज हम जो सुरक्षित जीवन जी रहे हैं, ये सब उन्हीं के योगदान से जी रहे हैं, उनके बलिदान के योगदान से जी रहे हैं। यूपी के जौनपुर में युवाओं में कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए काफी जोश देखा गया। युवाओं ने बताया कि कारगिल के वीर सपूत हमारे आइडियल हैं, इन वीर सपूतों ने देश को गौरवान्वित किया है। ऐसे में हम सभी को चाहिए कि कारगिल विजय दिवस को जोशो खरोश के साथ मनाया जाए। हमारे देश में जवानों का जो बलिदान हर समय हर जंग में योगदान होता है, ये एक बड़ी चीज़ है। जो NCC का हेडक्वार्टर है जौनपुर का, वहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल पुष्पेंद्र सिंह जी हैं, उनको कीर्ति चक्र से नवाजा गया, क्योंकि उनका योगदान कारगिल दिवस के अवसर पे रहा है, कारगिल विजय में रहा है। कश्मीर की वादियों से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे देश के जितने भी वीर सपूत थे, उन्होंने उसकी रक्षा करते हुए अपने बलिदान को यहाँ पे दिया है। हम यही चाहते हैं कि हमारा पूरा देश हिंदुस्तान जो है, वह कल 26 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में कल मनाएंगे। देशवासियों से ये अपील करते हैं कि भारत का जो हमारा कारगिल विजय दिवस है, इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाए। बहुत ही फ़ख्र की बात है हम सब के लिए, हमारे सभी देशवासियों के लिए, और इन सबको हम सलाम करते हैं इनकी बहादुरी के लिए, इनके अप्रोच के लिए, इनके देश के योगदान के लिए हम इनको सलाम करते हैं। हमारे आइकॉन हैं। फौजी के लिए राष्ट्र प्रथम होता है, राष्ट्रीय ध्वज को आखिरी सांस तक थामे रहता है, उसके लिए देश का सम्मान सबसे बड़ा होता है, और देश के गौरव के लिए वो बलिदान होता है। इन्हीं बलिदानियों से देश के युवा प्रेरणा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD News।
और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। कारगिल विजय दिवस के मौके पर देश आज शहीदों को नमन कर रहा है। पाकिस्तान पर शानदार फतह की याद का ये जश्न देश भर में मनाया जाता है। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने रक्षा क्षेत्र में भारत के बढ़ते कद और सीमा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण पर प्रकाश डाला। रक्षा क्षेत्र में भारत का दबदबा तेजी से बढ़ रहा है। आज भारत इस क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर बन रहा है बल्कि 80 देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात भी कर रहा है। आज भारत के हथियार उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, निजी रक्षा कंपनियों और विदेशी फर्मों के सहयोग के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। देश ने मिसाइल प्रौद्योगिकी, नौसेना जहाज निर्माण और विमान निर्माण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसके अतिरिक्त अनुसंधान और विकास पर जोर बढ़ रहा है, जिसमें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जैसे संस्थान नवाचार और स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में पिछले 10 वर्षों में रक्षा निर्यात में 31 गुना वृद्धि हुई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना है। भारत में 70% रक्षा उपकरणों का उत्पादन हुआ है और लगभग 25,000 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पाद निर्यात हुए हैं। डिफेंस के प्रोडक्शन में पिछले 10 वर्षों में आत्मनिर्भर हुआ है भारत। करीब करीब 70% के आसपास हमारा जो रिक्वायरमेंट है डिफेंस का, वो आज भारत में ही बनता है। भारत में डिफेंस का प्रोडक्शन 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। आप सबने देखा डिफेंस के जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनका वैल्यूएशन आज एक बहुत हाई वैल्यूएशन पहुँचा है। और सबसे बड़े गौरव की बात है कि भारत में बने डिफेंस उपकरण आज 80 देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। करीब 25,000 करोड़ से ज़्यादा के एक्सपोर्ट्स डिफेंस के हो गए हैं। भारत सीमा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण और टेलीकॉम कनेक्टिविटी पर भी विशेष जोर दे रहा है। पिछले 10 वर्षों में इस क्षेत्र में काफी वृद्धि देखी गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आज बॉर्डर एरिया में 6,800 किलोमीटर से अधिक सड़कें बनाई जा चुकी हैं। साथ ही कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें टेलीकॉम कनेक्टिविटी के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम हुआ है। अश्विनी वैष्णव ने पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान सीमा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास न करने के लिए कांग्रेस पर कटाक्ष भी किया। कांग्रेस के समय परिस्थिति ऐसी थी कि वहाँ डिफेंस मिनिस्टर बोलते थे कि सड़कें नहीं बनानी चाहिए, ऐसी हालत थी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बॉर्डर एरियाज में 6,800 किलोमीटर से ज़्यादा बॉर्डर रोड्स बनाई है। हमारी सेनाओं के लिए, डिफेंस फोर्सेस के लिए अच्छी रेलवे कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, ऑप्टिकल फाइबर, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ की व्यवस्था की है। CDS के जरिए देश में तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को मजबूत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फैसला देश की रक्षा की दृष्टि से सही साबित हुआ। आज तीनों सेनाएं सामंजस्य बनाकर देश की रक्षा को सुनिश्चित कर रही हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि लंबे समय से CDS के जरिए इंटीग्रेशन की जरूरत थी, जिसे मोदी सरकार में पूरा किया गया है। CDS के जरिए यह सुनिश्चित किया गया है कि तीनों सेनाओं का आपस में सामंजस्य बना रहे। CDS जो बहुत लंबे समय से डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में एक इंटीग्रेशन के लिए CDS की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी, वो एस्टेब्लिश किया। थिएटराइजेशन की युद्ध की जो परिस्थितियां हैं उसमें किस तरह से तीनों के तीनों विंग्स एक यूनाइटेड वे में कर सके काम, उसके लिए थिएटराइजेशन किया। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA की सरकार बनने के बाद से रक्षा क्षेत्र में सुधार को व्यापक प्राथमिकता दी गई है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के इस मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ा ये कारवां अब रक्षा क्षेत्र में देश को एक और निर्यातक के रूप में स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है। ब्यूरो इनपुट के साथ दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज़।
कारगिल दिवस के अवसर पर आज संसद के दोनों सदनों में कारगिल युद्ध के दौरान वीरता से लड़ने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने सैनिकों के शौर्य और बलिदान का स्मरण करते हुए कहा, सैनिकों ने युद्ध के दौरान अदम्य साहस का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सदन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देता है। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि युद्ध के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस और वीरता को संजोते हुए कृतज्ञ राष्ट्र कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। उन्होंने कहा कि यह सदन कारगिल की प्रतिकूल परिस्थितियों और दुर्गम इलाके के बावजूद दुश्मन पर शानदार विजय प्राप्ति में सैनिकों की असाधारण वीरता के लिए सशस्त्र बलों के दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता को नमन करता है। युद्ध के दौरान अपने प्राण न्योछावर करने वाले सैनिकों की याद में दोनों सदनों में मौन रखा गया। आज हमारा देश राष्ट्रीय एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए समर्पित भारतीय सेना के अद्भुत पराक्रम और बलिदान की याद में कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। कारगिल युद्ध के दौरान हमारे वीर सैनिकों ने कठिन भौगोलिक बाधाओं, प्रतिकूल मौसम के बावजूद अदम्य साहस और असाधारण वीरता का परिचय देते हुए विजयश्री प्राप्त की है। इस अवसर पर ये सभा अपने वीर सैनिकों को नमन करती है। The grateful nation is celebrating the 25th anniversary of Kargil Vijay Diwas, cherishing the indomitable courage and valor displayed by the Indian Armed Forces during the Kargil War. On this occasion, this house salutes the determination and commitment of our armed forces for their extraordinary bravery leading to the resounding victory over the enemy despite the adverse weather conditions and difficult terrain of Kargil. मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण, वाल्मीकि नगर घोटाला और SC/ST फंड के दुरुपयोग का मामला संसद के दोनों सदनों में उठाया गया। राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी ने कर्नाटक में हुए मूडा घोटाले पर कार्यस्थगन का प्रस्ताव दिया। सभापति ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। बीजेपी सांसद रण कड़ारी सदन में मूडा और वाल्मीकि कथित घोटाले का मुद्दा उन्होंने उठाया, जिसके बाद कांग्रेस के सांसदों ने भाजपा सांसद को बोलने की अनुमति देने पर हंगामा किया। इस बार उन्होंने क्या किया, वही वोट से जीत के आया, वो लोगों को पैसा लूट कर दिया। कैसा, वो वाल्मीकि शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में 187 करोड़ रुपीस अलग अलग खाते में, तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटका, ऐसा 2070 खाते में बांट दिया, उसको फिर विड्रा किया, वही पैसा लोकसभा इलेक्शन में खर्च किया, ऐसा आरोप है उनके ऊपर। इसलिए मैंने ये डिमांड कर रहे थे हाउस में, इसको CBI इंक्वायरी करना है। वो चीफ मिनिस्टर का अंडर ये फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं, इसलिए ये नैतिक जिम्मेदारी के नाते से चीफ मिनिस्टर भी रिसेक्शन करने के लिए हमारा डिमांड है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित जनजाति के इस फंड में और अनुसूचित जाति के फंड में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार किया है, इसकी उच्च स्तर से जांच हो। और चूंकि इसमें संलिप्तता मंत्री की है, वो इस्तीफा भी दे चुके हैं, इसमें मुख्यमंत्री को भी इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वहीं लोकसभा में शून्यकाल के दौरान भाजपा सांसद PC मोहन ने कर्नाटक में हुए कथित घोटाले का मुद्दा उठाया। तो मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेदार है, तो इस विषय को लेके आज लोकसभा में हमारे बेंगलुरु नॉर्थ के MP श्री PC मोहन, तो बेंगलुरु सेंट्रल के MP श्री PC मोहन, राज्यसभा के हमारा इरण्णा कडाडी जी, ये दोनों उठाया। दोनों सदनों में कांग्रेस पार्टी, जो भ्रष्ट कांग्रेस सरकार है उधर,
को बचाना चाहती है, सेफगार्ड करना चाहते हैं, इसलिए राज्यसभा में तो बिल्कुल अलो ही नहीं किया, लोकसभा में शोर शराबा करके पीसी मोहन को बात करने के रोकने का कोशिश किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कैंसर की दवाओं पर पूछे गए सवाल पर कहा कि कैंसर दवाओं की एक लिस्ट तैयार की गई है जिसकी लगातार निगरानी की जा रही है। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिंस, इसमें 131 दवाएं कैंसर की हैं, 131 जो शेड्यूल 1 में आती हैं, जो उसकी प्राइसिंग सरकार करती है और NPPA करती है, और ये वो मेडिसिन हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं और जिनका उपयोग किया जा रहा है, और इस पर NPPA जो है वो सीलिंग प्राइसेस लगाती है। इसके माध्यम से लगभग 294 करोड़ रुपए का पेशेंट्स को फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा ऐसे 28 कॉम्बिनेशंस हैं जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में नहीं आते हैं, लेकिन उसके बारे में भी सरकार ने और NPPA ने उनकी भी प्राइसिंग को कंट्रोल कर रखा है। राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूपीए और NDA दोनों सरकार के कार्यकालों की तुलना की और MSP पर हुई खरीद के आंकड़े भी गिनाए। शिवराज सिंह चौहान ने यूपीए सरकार का कैबिनेट नोट भी सामने रखा जिसमें लागत पर 50% बढ़ाकर MSP तय करने से इनकार की बात कही। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष किसान के नाम पर केवल राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खेती को फायदे का धंधा बनाने में और किसानों की आमदनी दोगुनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में जब यह कहा गया कि लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए, यूपीए की सरकार ने जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उन्होंने ये कहा कि MSP को उत्पादन की भारित औसत लागत से 50% अधिक तय करने की सिफारिश पर यूपीए सरकार ने कैबिनेट में ये कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि CACP द्वारा प्रासंगिक कारकों की व्यवस्था पर विचार करते हुए एक वस्तुनिष्ठ मानदंड के रूप में MSP की सिफारिश की गई है, इसलिए लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करना बाजार को विकृत कर सकता है। और किस तरह से चल रही है संसद में आज की कार्यवाही, इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, किस तरह से आज, क्योंकि कई अहम विषय हैं जिन पर चर्चा जारी है, लेकिन उसके बीच में अगर हम बात करें कर्नाटक में घोटाले की, तो ये भी संसद में खूब इस पर हो हल्ला हुआ। बिल्कुल सही कहा रमा आपने कि जो कर्नाटका का जो मसला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ जो मामला है उसकी गूंज जो है सड़क से संसद तक पहुंच गई और उस पर भी लगातार जो है सदस्यों ने अपनी अपनी बातें जो है वो उठाने की कोशिश की। चूँकि कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो आंदोलित थे और वो लगातार कांग्रेस पर ये करारा हमला बोलने में जुटे हुए थे कि कर्नाटका सरकार जो है वो भ्रष्टाचार से लगातार घिरती जा रही है। और दोनों सदनों की बात करें इसके अलावा तो क्वेश्चन आवर, जीरो आवर का भी संचालन बहुत ही स्मूथली चल रहा है, जो हमने देखा कि पिछले कई वर्षों से रमा कि लगातार सदन में अवरोध पैदा होने की वजह से क्वेश्चन आवर तो बिल्कुल वॉश आउट हो जाता था। कम से कम लोकसभा में अगर 11 से 12 क्वेश्चन आवर अगर चल भी जाए तो राज्यसभा में 12 से 1 बजे के बीच जो क्वेश्चन आवर का संचालन हुआ करता था वो बाधित हुआ करता था और बहुत सारे जो सांसद थे मन महसूस कर रह जाते थे, जनहित से जुड़े हुए मुद्दे उठा नहीं पाते थे। लेकिन इस सत्र में हमने देखा कि क्वेश्चन आवर और जीरो आवर का संचालन चल रहा है और इसके अलावा दोनों सदनों में बजट पर भी जो चर्चा है उसको पूरी कराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सोमवार को वित्त मंत्री को इस पर रिप्लाई करना है, तो निश्चित तौर पर ये कोशिश है सत्ता पक्ष की दोनों सदनों में चर्चा पूरी करा ली जाए। इसी बीच प्राइवेट मेंबर जो बिल हैं उस पर भी चर्चा कराने की कोशिश की गई। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जो नीरज दांगी हैं कांग्रेस के
सांसद राजस्थान से, उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया था जिसको लेकर सत्ता पक्ष ने कुछ आपत्ति दर्ज की और उसके बाद विपक्ष के तमाम जो सदस्य हैं वो शोर शराबा करने लगे और उसके बाद सदन की कार्यवाही को एक घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। 4 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो 4 बजे सत्ता पक्ष के जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू ने, उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि विपक्ष के द्वारा एक ट्वीट किया गया कि सत्ता पक्ष की गड़बड़ियों की वजह से, सत्ता पक्ष की वजह से सदन की कार्यवाही एक घंटे स्थगित कर दी गई। उन्होंने कहा कि ये फैक्चुअल जो है ये मिस्टेक इसको नहीं, ये डिलिबरेटली ट्वीट किया गया है जिसको डिलीट किया जाना चाहिए और इसको लेकर बहुत देर तक सदन में शोर शराबा होता रहा और उसके बाद फिर सभापति जगदीप धनखड़ के समझाने के बाद सदन की कार्रवाई फिर से जो है वो शुरू हो गई है। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में भी प्राइवेट मेंबर बिल जो है गैर सरकारी विधेयकों को लेकर तमाम जो सदस्य हैं वो आए हैं और अपने अपने विधेयक को रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि दुष्यंत सिंह जो राजस्थान से कांग्रेस के बीजेपी के सांसद हैं वो अपनी बात जो है वो रख पा रहे हैं। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी चर्चा जो है अब स्मूथली चल रही है। बिल्कुल, आप नज़र बनाए रखें राजेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में जानकारी दी कि भारत में वित्त वर्ष 2017-18 से लेकर 2023-24 तक यानी बीते 6 वित्त वर्षों में 16.83 करोड़ नए रोजगार सृजित हुए हैं। मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई कि देश में पिछले 6 वर्षों के दौरान रोजगार में 35% का इजाफा हुआ है। मार्च 2024 में 64.22 करोड़ लोगों के पास रोजगार था जबकि 2017-18 में ये संख्या 47.5 करोड़ थी। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी LEMS के आधार पर ये जानकारी दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2017-18 से लेकर 2022-23 तक 85 लाख लोगों को रोजगार मिला है। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया कि MSME मंत्रालय के पास पंजीकृत MSME में रोजगार का आंकड़ा 20 करोड़ को पार कर गया। MSME मंत्रालय के उद्यम पोर्टल पर 4 जुलाई तक के आंकड़े के अनुसार 4.68 करोड़ पंजीकृत MSME में 20.20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। MSME में पिछले साल जुलाई के मुकाबले नौकरियों में 66% का इजाफा हुआ है। बाल श्रम पर एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि केंद्र की ओर से बाल श्रम उन्मूलन के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कार्य बिंदुओं को सूचीबद्ध करते हुए एक मॉडल स्टेट एक्शन प्लान बनाया गया है। ITBP के महानिदेशक राहुल रस्कोत्रा ने कहा कि भूतपूर्व अग्निवीरों को ITBP में भर्ती करने की तैयारी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भूतपूर्व अग्निवीरों को न केवल आयु सीमा में छूट दी जाएगी बल्कि उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दी जाएगी। भूतपूर्व अग्निवीरों को ITBP में भर्ती करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अग्निवीर के रूप में बल को वेल ट्रेन्ड और डिसिप्लिन्ड सैनिक मिलेंगे। जैसा विदित है, भारत चीन सीमा पर सेना और ITBP के जवान कंधे से कंधा मिलाकर सीमा सुरक्षा के कार्य में लगे हैं, इसलिए ये वेल ट्रेन्ड अग्निवीर ITBP के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। भर्ती नियम में संशोधन के संबंध में गृह मंत्रालय की अधिसूचना पूर्व में ही प्राप्त हो चुकी है। भूतपूर्व अग्निवीरों को न केवल आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी बल्कि उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दी जाएगी। हमारा विश्वास है कि अग्निवीरों के आने से ITBP में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, बल को इससे लाभ होगा। दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया और BRS नेता के कविता की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और के कविता की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। CBI केस में दोनों की पेशी तिहाड़ जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। असम के मोईदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस पर खुशी जताते हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने PM मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि असम के साथ साथ देश भर के लिए ऐतिहासिक क्षण है। सराइदियो मैदान हमारे 600 साल अहोम शासन काल में जो हम लोगों ने
इतिहास रचना की है। आज इसी भूमि को यूनेस्को ने यूनेस्को की एक कल्चरल प्रॉपर्टी के हिसाब से रिकॉग्निशन दी है। ये बहुत बड़ा स्वीकृति है, बहुत बड़ा हमारे लिए मान्यता है। तो मैं इसके लिए विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, असम की जनता की तरफ से, नॉर्थ ईस्ट की जनता की तरफ से। असम के जराईदेव जिले में स्थित अहोम युग के मोइडम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। प्रधानमंत्री ने इस पर खुशी जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, भारत के लिए ये बहुत खुशी और गर्व की बात है। चराईदेव में मोइडम शानदार अहोम संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं, जहां पूर्वजों के प्रति अत्यधिक श्रद्धा दिखती है। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग महान अहोम शासन और संस्कृति के बारे में जानेंगे। मुझे खुशी है मोइडम विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गए हैं। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान देश में योग शिक्षा और शोध के प्रमुख संस्थानों में से एक है। यहाँ पर डिप्लोमा इन योग साइंस फॉर ग्रेजुएट के कोर्स में प्रवेश पाने के लिए योग में अपना करियर बनाने वाले छात्रों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप योग में करियर बनाना चाहते हैं या अपने योग के ज्ञान को और बढ़ाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए फ़ायदेमंद है। इस कोर्स के बारे में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक डॉक्टर काशीनाथ मनीक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। मोरारजी देसाई योग संस्थान में कई कोर्स चलते हैं डिप्लोमा के, जिसमें छात्र योग के कोर्स करते हैं और उसके बाद उनको रोजगार के अवसर भी मिलता है। किस तरह के ये कोर्स चल रहे हैं, इस पर बात करने के लिए मोरारजी देसाई योग संस्थान के निदेशक डॉक्टर काशीनाथ हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए कि जो आपका सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है योग कार्यक्रम को लेकर, वो कौन सा है और इसमें बाकी जो दूसरे संस्थान से कितना ये अलग है? जो फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है वो है DYSC, डिप्लोमा इन योगा योगिक साइंस फॉर ग्रेजुएट्स। ये हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है 1998 से इसका फ्लैगशिप प्रोग्राम है और वेल एक्सेप्टेड प्रोग्राम है। और इसमें लगभग यानी 100 सीटें हैं, लेकिन हमें हर साल लगभग 400 से अधिक लोग इसमें भर्ती होने के लिए आते हैं, लेकिन उनको हम उनका एग्जामिनेशन होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होने के बाद उनको हम एडमिशन देते हैं। और दूसरे इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा कोर्सेज में हम डिफरेंशिएट देखें तो इसमें क्या है, इसका जो करिकुलम है इतना अच्छे से बनाया है, इसको हम दो सेमेस्टर्स में, 6-6 मंथ का सेमेस्टर्स होते हैं और पहले सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट होते हैं, वो यूनिक सब्जेक्ट्स है। बेसिक फाउंडेशन को पहला जो 6 महीने के जो होता है फाउंडेशन पे होता है, फाउंडेशन ऑफ योगा, फाउंडेशन ऑफ हठ योगा, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी बेसिक्स, ये सभी पहले साल में किए, पहले 6 महीने में होता है। दूसरा सेकेंड सेमेस्टर में उसमें उसका थोड़ा एडवांस होता है, जैसे कि योग जो उपनिषद में, पुराणों में, शास्त्रों में, भगवद गीता में क्या क्या लिखा है और उसको हम आज की परिप्रेक्ष्य में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है और नए नए संसाधनों के साथ भी हम इसको कैसे अप्लाई करना है, इस तरह हम करते हैं। उसके साथ साथ यूनिकनेस ये है, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी जो है, हम ट्रेनिंग यहाँ के ट्रेनिंग देते समय या हम OPD में भी एक्सपोज करते हैं और हमारा CGHS 20 CGHS सेंटर है वहाँ भी उनको ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं और योगा थेरेपी सेंटर 4 है वहाँ भी उनको हम योगा करवाने के लिए भेजते हैं और योगा सीखने के लिए और पेशेंट केयर सीखने के लिए। उसके साथ साथ हम बहुत जगह जैसे जो फील्ड वर्क होता है, हम एक इसमें एक करिकुलम में एक एक प्रोग्राम डाला है, 1 महीने का होता है वो फील्ड वर्क बोल के, वो क्या है, फील्ड में जाना है, अपने आप खुद जाएगा व्यक्ति, खुद जाएगा स्टूडेंट और एक कोई एक प्लेस को चूज़ करेगा, वहाँ के लोगों को एकत्रित करेगा, उनको मोटिवेट करेगा और उनके लिए एक मॉड्यूल करके हर रोज़ाना उन लोगों को बुला के उनका करिकुलम करता है और एक जब ये उनको सिखाता है, ये जब 1 महीने का जब होता है उसके लिए सुपरविजन हम यहाँ से करते रहते हैं और सडनली जाके इंस्पेक्शन करते व्यक्ति स्टूडेंट परफेक्टली कर रहा है कि नहीं, इस तरह देखते। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग, ये अलग अलग 100 लोग 100 स्थानों में अलग अलग जगह होता है और उसके सभी का सुपरविजन होता है। उसके साथ साथ दूसरा है टीचिंग ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि ये खाली सीखने के बाद वो टीचर भी बनना है और टीचर बनने के लिए टूल्स क्या क्या यूज़ करना है, मॉड्यूल कैसे क्या करना है, इसको भी उसको नॉलेज बढ़ाने के लिए सेकेंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट ही है इसका, टीचिंग मेथोडोलॉजी बोल के। सो इस तरह इसमें यूनिकनेस है, इसलिए लोग ज़्यादातर लोग इसमें आना चाहते हैं। इस तरीके से अगर आप योगा को करियर के रूप में अपनाना चाहते हैं तो मोरारजी देसाई योग संस्थान में आप डिप्लोमा कर सकते हैं, एक बेहतर
अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य के साथ साथ दूसरे के स्वास्थ्य का भी आप ख्याल रख सकते हैं। कैमरामैन पीयूष के साथ नितिन सिंह, डीडी न्यूज़ दिल्ली। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पशुपालन विभाग ने आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको बता दें ट्राई सर्विस बैंड के कारगिल विजय दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इस कार्यक्रम में सीधे आपको ले चलते हैं। देवी और सज्जनों, एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए हमारे टैलेंटेड म्यूजिशियंस के लिए। सोल्जर्स आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एसेट्स ऑफ एनी कंट्री, गार्डियंस विद ए सेल्फलेस लाइफ हु पुट द इंटरेस्ट द कंट्री अबाउट एनीथिंग एल्स। सो नेक्स्ट वी हैव सलाम टू द सोल्जर कैप्टन कर्नल गिरीश एज ए ट्रिब्यूट टू द सोल्जर्स ऑफ द नेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, द कंडक्टर फॉर द पीस टुडे इज नाइट सुविधा मंटू मंडल। तो ट्राई सर्विस बैंड के कार्यक्रम का प्रसारण आप देख रहे थे। देश भर में कारगिल के नायकों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उन्हें नमन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पशुपालन विभाग ने नवनियुक्त नेशनल लेवल मॉनिटर्स के साथ विचार मंथन किया। विभाग ने ये व्यवस्था पहली बार शुरू की है, जिसका मुख्य उद्देश्य इनके माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में फीडबैक प्राप्त करना है। इसके जरिए विभाग के लिए पॉलिसी का क्रियान्वयन और उसे सफल बनाना आसान रहेगा। वर्तमान में तकरीबन 16 नेशनल लेवल मॉनिटर्स का चयन हुआ है। इनमें वरिष्ठ अधिकारी, शोध संस्थान के प्रमुख, वाइस चांसलर्स और कुछ साइंटिस्ट शामिल हैं। एक NLMs की हैंडबुक तैयार की जाएगी जो कि इन्हें दी जाएगी। उसके साथ में हम एक ऐप भी बनाएंगे, एक NLMs का ऐप भी बना रहे हैं, जिससे कि जब वो फील्ड पे जाते हैं तो कुछ जो संक्षिप्त डेटा है वे उसके ऊपर रखेंगे, अपनी रिपोर्ट्स विस्तार से प्रस्तुत करेंगे। इससे हमें फॉलो अप करने में भी बहुत सुविधा होगी। तो शुरुआत में हम इनको अभी अगस्त के 15 अगस्त के बाद में 5 राज्यों में जाने का हमने इनको लक्ष्य दिया है। उसके बाद में जैसे ही इनकी रिपोर्ट्स आएंगी, हम लोग उसको देख के एनालाइज करके फिर उसके बाद में फिर अन्य राज्यों में उनको भेजने का एक कार्यक्रम रखेंगे। बुलेटिन में अब वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डाले। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ए संभल कर, हाँ आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाया अभी आज। हाँ ए ए ए आई 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 ए सत्यानाश भाई, नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझकर करें। अरे वाह डिकरा, एकदम बराबर, रिस्क समझकर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने इस संगठन के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया। विदेश मंत्री ने इसके साथ ही कहा कि आसियान के साथ वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा भारत के लिए आसियान उसकी एक्ट इंडिया नीति और उसके हिंद प्रशांत दृष्टिकोण की आधारशिला है। The priority that India attaches to ASEAN and AS platforms is evident from Prime Minister Modi visiting Jakarta last year on the very eve of our own G20 summit. He had announced a 12-point plan that has been largely acted upon. For India, ASEAN is the cornerstone of its Act East policy and the Indo-Pacific vision that was thereafter built on it. For us, political, economic and security cooperation with ASEAN is of the utmost priority. So too are people-to-people linkages that we are constantly seeking to expand. It is encouraging to note that our partnership acquires ever more dimensions with each passing year. While our achievements are substantial, our ambitions must always remain high.
और कारगिल विजय दिवस पर ट्राई सर्विस बैंड ने एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है। सीधे ले चलते हैं आपको इस कार्यक्रम में। आगे बढ़ते हैं खबरों में। म्यांमार की राजधानी नेपिताओ में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बिम्स्टेक समूह के सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुखों की बैठक में भाग लिया। इस बैठक में अजीत डोभाल ने भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य दिया, जिसमें उन्होंने आतंकवाद से निपटने, मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध से निपटने में सहयोग को मजबूत करने की बात कही। साथ ही अजीत डोभाल ने हिमालयी नदी प्रणालियों की जल सुरक्षा पर भी चर्चा की। पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश के मदरसों में विज्ञान से संबंधित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने इस सिलसिले में आदेश जारी किया है। दूरदर्शन से विशेष बातचीत में दानिश अंसारी ने कहा कि इस कदम से छात्रों में विज्ञान के प्रति दिलचस्पी पैदा होगी। देश के पूर्व राष्ट्रपति और जाने माने वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम की कल 9वीं पुण्यतिथि है और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। हमारे साथ प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी जी हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। सर, आप लोगों ने निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश के मदरसों में विज्ञान प्रदर्शनी लगाई जाएगी, क्या कुछ ये निर्णय है और क्या कुछ इससे फ़ायदा मिलेगा? और कलाम साहब इस देश के करोड़ों नौजवानों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। कलाम साहब ने हमेशा देश सर्वोपरि इस भाव को आगे रखते हुए देश के लिए हमारा क्या योगदान हो सकता है इस भाव के साथ काम खुद भी किया है और इस भाव को दूसरों के अंदर जागृत करने का भी काम किया है। आज कलाम साहब की मेहनत से देश जो विज्ञान के क्षेत्र में देश ने एक जो बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां जो हासिल की हैं उससे हमारा देश सशक्त और सक्षम हुआ है। मैं खुद एक नौजवान होने के नाते हमेशा मैं कलाम साहब से हम सब बहुत प्रेरित रहते हैं। उत्तर प्रदेश के हर मदरसे में कलाम साहब के पुण्यतिथि के याद में, उनकी याद में हम साइंस एग्जीबिशन और सेमिनार का हम आयोजन करने जा रहे हैं। कलाम साहब का जीवन का हर क्षण हर वाक्य लोगों के लिए प्रेरणा का केंद्र है और मोदी जी भी कहते हैं मदरसे के बच्चे में एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस दिशा में? निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा कहा कि मुस्लिम समाज के नौजवानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हो। कुरान से हम अपने दीन इस्लाम से जुड़े और कंप्यूटर का मतलब है हम आधुनिक शिक्षा से जुड़े। धन्यवाद दूरदर्शन से बातचीत करने के लिए। तो विज्ञान में रुचि रखने वाला हर एक छात्र कलाम साहब को अपना आइडियल मानता है और निश्चित रूप से कल जब उनकी पुण्यतिथि पर प्रदेश में तमाम सारे कार्यक्रम होंगे तो छात्रों में एक बहुत अच्छा असर जाएगा। कैमरामैन विवेक के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज लखनऊ। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।